सहगन रघुनाथ नितम तांग सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नामं गुरुदेवाय धीमते सर्वमते भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने शाश्वत शास्त्र साद्वाख्या निपुणाय महामते रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नामयं विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीवदुखे सदात्राय ह्रीनाम प्रेमदायिने। नामयं विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभाय देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणी श्रीरूपानुगुरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर सांबुधे पादंबुजाय ते नमः। नाम भक्ति विनदाय सचिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराग्रभावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। जयतां सुरतोरुपङ्गुर्मम मन्दवतीर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भुजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलिभिर्सर्वमान स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भे बंसीवटतटस्थित कर्षण वेणुस निर्गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तु न श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दबनाला समा संसार दहनी
दग्ध जीवकुल उधर कारणी करुणावारी कृपावारी
Thank you.
Oh.
Lay low,
Yeah.
साजी दगाल तो तुम याद है जाएगा ये महाम दगाल है गाओ गाओ दर दर तुम दर Oh, no.
बोलोगे कल परसों का कथा कुछ याद है? कैसे सृष्टि हुआ, कैसे बराह देव प्रकट हुए, थोड़ी बहुत याद है? यहाँ पर जब आओ थोड़ा अच्छे तरह से पढ़ करके थोड़ी थोड़ी आना, ठीक है ना? थे केवल एक कहानी तो और क्या है, एक कहानी पूरा भागवत वक्ता हो जाओगे, पूरा एक एक कहानी तो याद करना है। कल बोलो हाँ ठीक। हाँ मैं 5 मिनट बोल देता फिर तुम लोग बोलोगे। मैं जो पहले परसों पता सुना उसको याद होगा, नहीं तो भागवत का जो प्रसंग याद होगा। और देखो इधर जैसे गजेंद्र अनिरुद्ध पहले तुम लोग थे नहीं ना, आज संध्या आरती के बाद में मेरे रूम में आना, ठीक है? मैंने पहले इनको जो तुम लोग सब खाली कथा याद है, मैं उसको थोड़ी थोड़ी जो कहाँ से शुरू हुआ कैसे कैसे किया है उसको मैं बोल दूंगा, ठीक है? तुम्हें कौन पढ़ी गया इससे को बता पढ़ को पर कहते प्रथम ठार कर्तन कर प्रथम नौ तो कौट थ सांगे आस ठीक है। आज जब
मंगल संध्या आरती के बाद में ना तुम तीनों मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में तीनों आना। अभी मैं थोड़ी सी बोल देता हूँ, उसके बाद में तुम लोग मैंने परसों जो कथा किया तो उसको भी बोलना, और जो उसको पहले से थोड़ी थोड़ी सब सबके सब बोलना थोड़ी थोड़ी। और तुम क्या प्रक्रिया है? शुरू से ना, ठीक, चला चल शुरू से, है चला चल। हरि ओम, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द प्रियाद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बलहरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, अभी अभी जो कथा सब आएगा ना, एक एक अध्याय कथा, एक ही कथा ही आएगी, हैं, एक कथा आएगी बस। लगता है तुम लोग को सारी कथा पता है, पूरा भागवत तुम्हारी हो गया। तो करा दीजिए, हरे कृष्ण। अभी सर्वप्रथम हमारे राहुल जी जाएगा बागपत में कथा कर जाएगा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। पहले हम लोग ने श्रवण किया था कैसे श्री बराहदेह प्रकट हुए, और कैसे बराहदेह प्रकट होकर के किसको वध किया था? हिरण्याक्ष को वध किया। जब वध किया, सारे देवताओं ने भगवान को स्तुति की है। अभी जो ब्रह्मा जी जो मनु और सत्वरूपा को जब सृष्टि की थी, और उसको पहले उन्होंने श्री अपना कर्दम ऋषि को उन्होंने सृष्टि किया था। यहाँ पर श्री कर्दम ऋषि और कपिल देहूति के संवाद है। आज हम इस विषय पर कथा सुनेंगे। अभी कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि को प्रारंभ करो। अभी आदेश पा करके उन्होंने सरस्वती को तीरे उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या में संतुष्ट होकर के ठाकुर जी उनको दर्शन दिया। लेकिन उनको इतने कठोर उन्होंने तपस्या की थी, जिस तपस्या को देख करके भगवान की आंखों से जो आंसू निकली, उसी से ही एक सरोवर प्रकट हुआ जिसका नाम था बिंदु सरोवर। इसलिए हमारे कहते ना, हमारे जो हिंदू क्यों हुए, बोले ही मतलब हिमालय, अब बिंदु मतलब बिंदु सरोवर। कहते इसका बीच में जो रहते हैं, कहते उसको हिंदू कहते हैं। इसलिए एक भुवन सरोवर भी एक बिंदु सरोवर है। वहाँ पर जिस समय शंकर माता पार्वती ने कृति और बास नाम को दो दैत्य को वध की, वहाँ पर शंकर जी प्रकट हुए, उनको प्यास लगी, शंकर जी त्रिशूल से वो जो सरोवर है उसको बनाए, और इन्होंने नंदी को बोले जाओ हर नदियों से बिंदु बिंदु पानी लेकर के आओ। तब उन्होंने हर पवित्र नदियों से उन्होंने बूंद 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 पानी लाए, इसलिए वो जो सरोवर का नाम भी पड़ गया बिंदु सरोवर भी है। तो इसलिए जो भगवान के आंसू से बना, हाँ, बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर। तब भगवान ने बोले कदम वर्मा को क्या चाहते, बोले प्रभु आपके चरण में हमें अचला भक्ति दो। बोले ठीक, तथास्तु। बोले और क्या चाहते हो? बोले मेरे मन में तो कोई संसार की कोई वासना है नहीं, लेकिन चूंकि आपकी इच्छा है ये सृष्टि का क्रम बढ़े,
भगवान की इच्छा ये सृष्टि का क्रम बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा जान करके मैं ये संसार करना तो चाहता हूँ, है संसार करना चाहता हूँ, लेकिन जो संसार करूँगा उसमें कत दो शर्त है, अगर आप मेरे बच्चे बन करके आओगे, और दूसरा शर्त है तब तक ये संसार में रहूँगा जब तक संतान नहीं हो जाए, संतान होने के बाद फिर मैं अपना भजन करने के लिए चले जाऊँ। तो उन्होंने तथास्तु बोले, आशीर्वाद दिए। तो उन्होंने अभी उन्होंने बोले विवाह करेंगे, इतने में जो साहेब हो जो मनु अपना स्वर्ण विमान में, इन्होंने अपना भार्या सत्वरूपा और उन्होंने अपना कन्या देहूति को लेकर के श्री कर्दम ऋषि के पास में उपस्थित हुए। कर्दम ऋषि उनको जथा योग्य सम्मान दी और उनको पूछे आप किस लिए आए, आपका हम क्या सेवा करें। तो उन्होंने बोले बोले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी को आप शादी करो। और कहते वो कितने सुंदर थी, हैं कहते वो कितना सुंदर थी माता देवती, कहते जब ये अपना आंगन में आकुति देवती प्रसूति ये जब खेलती थी अपना आंगन में, इतने सुंदरता थी जिनकी रूप को देख करके देवता लोग भी मुग्ध हो जाते थे, इतने सुंदरी कन्या थी। तो उन्होंने अपना जो रूपशिला रूपवती बेटी को उनको दर्शन कराया, देखो ये मेरी बेटी है, ये अपूर्व सुंदरी पति सेवा करने वाले सारे सर्वगुण संपन्न, आप इसको स्वीकार करो। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। हाँ स्वीकार करते हुए तो उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में भी कर्दम ऋषि को उन्होंने बहुत कुछ वस्तु उन्होंने दिया। तो वहां पर एक सुंदर पुरी बनाए जिसका नाम था बहिस्वती। क्या नाम था? बहिस्वती। पुरी में उन्होंने प्रवेश उन्होंने किया है। और इन्होंने जब मनु महाराज ने उनको बेटी दिया, उन्होंने मनु महाराज को ही बात बताई थी, बोले देखो तब तक संसार में रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, संतान के बाद में फिर मैं अपना भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, अभी हाँ अभी जब पिता माता उनको साथ में शादी दे करके हैं, शादी दे करके कुछ कुछ कथाकार लोग बहुत कुछ बात कहते हैं, श्री मनु महाराज जी देहूति को उनने कुछ उपदेश दिया है, बोले देख बेटी पति की पतिव्रता धर्मों को साथ में पति की सेवा करना, कहते तुम्हारी हाथ में पिता का भी परिवार है और ससुर का भी परिवार है, अगर बेटी अगर कहीं शादी होकर के जाती है, अगर वहाँ पर सेवा करती है, सबकी आदेश पालन करती हैं, अच्छे तरह से रहती है, फिर सास ससुर क्या बोलती हैं। बोले पिता माता ने उसको संस्कार दे करके छोड़ा है, अच्छे संस्कार दे करके छोड़ा, इसलिए महिमा किसकी होती है? पिता की है। और महिमा किसको होता है? पर ससुर घर की। अगर बेटी जाकर कहीं उल्टा पुलटा दी तो सास ससुर क्या बोले, तेरे पिता माता यही सिखा कर भेज दे, तुमने यही सीख करके आई हो। इसलिए हमारे देश में जब बेटी शादी होकर जाती थी ना, उसको अच्छे तरह से, क्यों जाकर के वहाँ रोसी बनाना, सब सेवा करना बेटी को ना, हमारे देश में उसको अच्छे तरह से पूरा उसको अच्छे तरह से रोसी अच्छे तरह से बनानी जाएगी हैं। रोसी जब कोई बेटी को देखने के लिए आती थी ना, पहले बोलते थे आपको बेटी के हाथ में भोजन करना चाहते, कैसे बेटी तुम्हारी भोजन करना कैसे जानती है, रोटी कैसे बनाना जानती है, उसका हाथ में रोटी खाती थी, बनाना जानती कि नहीं। इसलिए वो बेटी को उन्होंने समझाया, तेरी हाथ में ससुर का भी कुल और तुम्हारी पिताजी का वंश तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ऐसे कोई आचरण नहीं करना जिसमें तुम्हारे पिताजी के ऊपर भी कोई धप्पा लगे हैं। इसलिए उनको अच्छे तरह से सिखा पढ़ा करके उन्होंने उन्होंने वहाँ गए। जब चले गए पिता माता जब चले गए, इतने में माता देहूती अपना पुत्र लाभ से, क्योंकि बोले भगवान अगर बेटे रूप में आएंगे तब शादी करेंगे, इसलिए ठाकुर जी मेरे पुत्र रूप में आए, इसलिए माता देहूती पुत्र लाभ कामना में उन्होंने बड़ी सेवा की ऋषि को, क्यों पता है ये जो कर्दम ऋषि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये परम ऋषि है, ये भजन करने वाले ये साधु, खूब उनको सेवा की, इनके आशीर्वाद से मेरे गर्भ में भगवान स्वयं आएंगे। अभी उन्होंने पत्नी की सेवा में संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर के कहते श्री कर्दम ऋषि माता देहूति को उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान करके
उन्होंने जोग ऐश्वर्य को उन्होंने दर्शन कराया है। लेकिन इसने पति की सेवा करते कह के आता है, जब जब मनु महाराज चले गए उसके बाद में कर्दम ऋषि पर भजन में बैठ गए। जब भजन में बैठ गए माता देवती बड़ी पतिव्रता धर्म को साथ में को सेवा की। अभी पति भजन नहीं कर रही, अभी भजन नहीं की है, और पति स्नान नहीं कर रही, अभी स्नान नहीं की। पति अपना केस को संभाल नहीं रही, अभी नहीं संभाल रही थी है। इसलिए पति की सेवा करते 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 एकदम क्षीण कलेवर हो गई, एकदम दुबली पतली हो गई। उन्होंने तब उन्होंने उन्होंने कही के आता है, इस जब उन्होंने अपना ध्यान खोली सामने देखा देवकी को, लेकिन वो भूल गए मैंने कभी शादी किया था, एकदम दुबली पतली जरा जीर्ण। बोले तुम कौन हो? बोले याद है कभी अपने शादी भी किया था? लो तुम वही देवती हो है। उसको फिर संतुष्ट होकर के बोले तुम क्या चाहते हो? बोले आप शादी क्यों किया था? बोले था ना भगवान से आप अगर बेटे बन करके आओगे शादी करोगे? बोले ठीक है जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। जब बिंदु सरोवर में स्नान किया हजार दास दासियों के साथ में उन्हें प्रकट हुई। पहले जितने सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदरी बन करके प्रकट हुई। तो उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने दही की सौंदर्यता उन्होंने उनको प्रदान की, प्रदान करके एक विमान बनाया जिसका नाम है कामक, कामग, कामग, कामग विमान। कामग विमान मतलब जैसे कामना करोगे जैसे चाहोगे ये विमान वैसे उड़ेगा। इसलिए कही गया मेरी वर्णना आती है कितने क्रोश तक वो विमान थी जिसमें सुंदर सरोवर है, सुंदर पेड़ पौधा फल फूल से लदे हुए, जिसमें सुंदर सरोवर में चार तरह का कमल फूल खिले हुए, राजहंस जिसमें क्रीड़ा करते हैं, और ऐसे विमान हैं जिसमें बैठे तो भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा उसके अंदर में, एकदम एयर कंडीशन है, फाइव स्टार होटल। इसलिए उसके अंदर में बड़े सुंदर अपूर्व विमान है। अभी उन्होंने विमान प्रकट करके विमान में माता देवती और कर्दम ऋषि बैठ करके आकाश में भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते रहे तो उनको बड़े सुंदर सर्वांग सुंदर अति अपूर्व सुंदर उनको नौ कन्या उनकी जन्म हुए। अभी जब नौ कन्या जन्म हुए, अभी उन्होंने कहा था जब संतान हो जाएंगी फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। अभी उन्होंने बोले अभी तो तुम्हारी संतान हो गया, अभी तो संतुष्ट है ना? कहीं क्या आता है, हैं? कहते नहीं अभी तो ठाकुर जी हमारे बेटे बन करके नहीं आए, ठाकुर जी हमारे बेटे बन करके नहीं आए। तब तो उन्होंने फिर ऋषि की उन्होंने सेवा की, तो फिर भगवत इच्छा से श्री भगवान श्री कपिल देव भगवान उनके बेटे बन करके आते हैं। बोलो भगवान कपिल देव की। तो यहाँ पर जिस समय ऋषि अभी जाने के लिए जब तैयारी हुए उनको देख करके, हाँ कह के ऐसे ऐसे कथाकार लोग कहते हैं अभी घर में नौ बेटी हो गई, अभी बेटियों को शादी देना पड़ेगा। बोले एक समय ब्रह्मा जी अपना जो 10 उनको जो पुत्र थे, एक समय उन्होंने 10 पुत्रों को लेकर के, हाँ कहते श्री ब्रह्मा जी 10 पुत्र को लेकर के आए, लेकिन नारद तो बचपन से वैराग्य है कि तो और जो उनको जो संतान थे 9 संतान के साथ में उनकी 9 जो बेटी थी 9 बेटियों को उनको साथ में शादी करा दिया। जब शादी कर दिया पूरा का पूरा घर खाली हो गया। इसलिए कहीं कहीं कथाकार ऐसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करना चाहते हैं ठाकुर जी सब कुछ काम को ठाकुर जी करा लेते हैं। कहते ना करते हैं तुम कहीं मेरा नाम हो रहा है तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। कहते भक्ति के लिए अगर कोई चेष्टा करे तो भगवान सारे काम को व्यवस्था ठाकुर ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस समय वो घर बार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं उसी समय में कहते श्री कर्दम ऋषि श्री माता देवती को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया। देखो ये जो श्लोक है कहते उनको मोक्ष प्रद परमात्मा ज्ञान कथा हैं जानने के लिए भोगातीत, कहते माता देवती उनको पास में जड़ीय भोगातीत मोक्ष प्रद परमात्मा ज्ञान की कथा जानने के लिए प्रार्थना की।
जब प्रार्थना की कर दमिर सिंह ने एक सुंदर श्लोक बोला, ये श्लोकों को तुम लोग लिख लो, बोले नेह जत कर्माय धर्माय, याद है ना, नेह जत कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवा आई जीवन नपी मृत ही स। ये श्लोक उनने उनको उपदेश दिया, बोले इसका मतलब क्या है, कि जो व्यक्ति कोई कर्म अनुष्ठान करते हैं, अगर वो कर्म धर्म के लिए नहीं हो, अगर हम कोई धर्म करते हैं अगर वो धर्म वैराग्य के लिए नहीं हो, अगर कोई हम वैराग्य करते हैं अगर वो वैराग्य भगवान की सेवा की उपलक्ष्य नहीं करता है, कहते वो व्यक्ति कैसे हैं, मतलब जीवन जीवन मपी मृत ही सब, मतलब वो जीवित रहते हुए भी वो व्यक्ति मरा है। इसलिए उन्होंने माता देवती को ये उपदेश दिया, बोले देवती हम जीवन में जो कुछ करते हैं उसका जो मूल उद्देश्य भगवान को, हम कैसे ठाकुर जी को कैसे संतुष्ट करें। उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने उपदेश उन्होंने उनको प्रदान की है। हाँ, इसलिए श्री माता देवती कह रहे हैं, बोले हे प्रभु मैं आप जैसे पति को मैंने प्राप्त किया है, हैं? आप जैसे पति को मैंने प्राप्त करते हुए मैंने ये जड़ भोग में कैसे मैंने प्रमत्त हो गया, लेकिन अपना आपको मैंने मुक्ति की प्रार्थना नहीं की, आपसे मैंने संतान की मैंने प्राप्त की, इसलिए हम आप कृपा करके मेरे को मदद कर जैसे संसार बंधन से मेरे उद्धार हो जाए। तब इन्होंने हंगे भजन कपिल देव पुत्र रूपे समस्त प्रकृति, इसलिए जिस समय भगवान कपिल देव जन्म हुए हैं, जिस समय भगवान कपिल देव जन्म हुए उसी समय में ठाकुर जी जन्म हुए हैं, उसी समय में कभी जितने प्रकृति सब के सब उत्फुल्ल हो गया हैं। और कहते ये कौन है भगवान कपिल देव, कहते ये भगवान की सत्यावेश अवतार है, हैं? इसलिए सत्यावेश अवतार ही भगवान की। तब यहाँ पर प्रश्न आता है, कर्दम ऋषि उन्होंने देवती की आदेश अनुसार अभी उन्होंने भजन करने के लिए चले गए। जब कर्दम ऋषि भजन के लिए चले गए तब यहाँ प्रश्न होता है, तब भगवान घर में तो ठाकुर है, भजन किसको करने के लिए जा रहे, ठाकुर जी को भजन करने जा रहे, लेकिन ठाकुर तो ऑलरेडी घर में है, फिर उनको भजन फिर किसको करने के लिए जा रहे हैं, तब उसको पीछे कितना कारण होता है, हाँ कितना कारण होता है, घर में ठाकुर जी है, घर में है भगवान स्वयं कपिल देव घर में है, लेकिन रहते हुए भी भजन के लिए जा रहे, कितना कारण है, तीन कारण, हाँ तीन कारण है, तीन कारण को लिख लो, तीन कारण को। पहला कारण बताए, कहते इनका जो भगवान के प्रति जो इनकी भावना है, कहते ये उनकी दास्य, भगवान मेरे प्रभु और मैं इनकी सेवक हूं, इनकी जो रस है, रस है क्या रस है, इनकी दास्य रस, लेकिन इनका तो दास्य रस है, लेकिन अभी वो सोच रहे मेरे जो अभीष्ट देव मेरे जो प्रभु अभी जो स्वयं नारायण मेरे घर में जन्म हुए हैं, जब जन्म हुए कहते इनको प्रति हमारी दास्य रस है, निष्ठा रूप में दास्य रस है, लेकिन अभी ये मेरे पुत्र बन करके आए, जब पुत्र बन करके आए अभी इनको हमें पुत्र रूप में देखना पड़ेगा, पुत्र भाव कैसे, कहते ये बात्सल्य रस है, होने का नाते अभी बात्सल्य रस इनके हृदय में उदय हो रहे बारम्बार, अरे बेटा बेटा, लेकिन ये तो भगवान के प्रति दास्य रस, इसलिए जुगपत कहते यहाँ पर रस्वा रस, हाँ इसलिए यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रसाभास हो रहा है, यहाँ पर रस में गड़बड़ी हो रहा है, इसलिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने घर छोड़ करके चले गए, ये पहला कारण है। तो दूसरा कारण क्या है, कहते ये तो भगवान है, भगवान ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, होने का नाते कुछ दिन बाद में ये जो बड़ा होगा ना, ये भी मेरे को शोक समुद्र में डुबाते हुए ये भी संन्यास लेने वाले हैं, अगर भगवान मेरे बेटे रूप में आए
अगर फिर मेरे को छोड़ करके ये संन्यास ले जाए फिर तो क्या है, बड़ा दुख का कारण। इसलिए ये संन्यास लेने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ही पहले घर छोड़ करके संन्यास ले लेता हूँ, ये इसका दूसरा कारण। अभी तीसरा कारण क्या, कत घर में भगवान स्वयं मेरे अवतीर्ण हुए हैं, अगर मैं इनको छोड़ करके भजन करने के लिए चला जाता हूँ कत इसमें कोई अपराध नहीं होगा। बोले क्यों अपराध नहीं होगा, कहते वैष्णव का जो मत है, वैष्णव का जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, कहते भजन य प्रभु निश्चय भजन र अधीन। कहते जो समझ रहे, क्या समझ रहे, हाँ इसलिए कहते जो भजन य प्रभु है, कहते किसका अधीन है, ये भजन का अधीन है, हाँ इसलिए इसलिए हमारे लक्ष्य क्या है, प्रेम प्रयोजन, हमारे कृष्ण प्रयोजन नहीं, भगवान प्रयोजन नहीं, हमारा प्रयोजन प्रेम प्रयोजन। क्योंकि जब हृदय में प्रेम प्रकट हो उसका दो लक्षण है, क्या क्या दो लक्षण है, सांदर नांदा विशेषात्मा श्री कृष्ण दर्शन जैसा, इसका दो लक्षण है, हैं। इसलिए जब हृदय में जब भक्ति प्रकट होगा भगवान को बलात् खेच करके ये प्रेम ले आता है। जैसे कमल फूल जब खिलता है ये कमल फूल भंवरा के पास में नहीं जाता, भंवरा ये कमल फूल के पास में आता है। इसलिए जब हृदय में जब अगर हम भजन करेंगे ना, भगवान भजन का अधीन है, जब भगवान भजन का अधीन है, अधीन इसलिए भजनीय पदार्थ है ते भजन रे बेसी आग्रह करा उचित। इसलिए कहते हैं क्या है, भजनीय पदार्थ है ते भजनीय पदार्थ है ते भजन बेसी आग्रह करा उचित, समझ गए ना। इसलिए हमें रुचि किसमें रखनी चाहिए, भजन में हमें रुचि रखनी चाहिए, भगवान के प्रति जितना रुचि उससे ज्यादा साधन का प्रति रुचि रखो। क्योंकि जब हम साधन भजन करेंगे ठाकुर तो भजन का अधीन है, ठाकुर भगवान भजन का अधीन ठाकुर, इसलिए यहाँ कह रहे हैं भजनीय पदार्थ है ते भजन बेसी आग्रह करा उचित। किसमें आग्रह ज्यादा करनी चाहिए, उनकी भजन में ज्यादा, उनका नाम लेना, कीर्तन करना, भजन करना, पूजा करना, उनकी कीर्तन करना, इसमें ज्यादा रुचि रखनी चाहिए उचित। इसलिए ऐ जने अष्टजाम दिवारात्रि निर्जने निर्विवादे भजन करते, हाँ इसलिए क्या सोच रहे हैं, अष्टजाम, अष्टजाम हम क्या कहते, दिन रात हम एकांत में बैठ करके बिना बाधा के हम भजन के हम भजन करेंगे। जब भजन करेंगे ठाकुर स्वयं भजन के द्वारा तो ठाकुर स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं बोले चन की बोले चन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे मुक्षसामि मां सुतो। कृष्ण स्वयं बोले सारे धर्म को तू छोड़ करके केवल मेरे शरण में आ जा, आने पर तुमको जो पाप लगेगा सारे पाप से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान का आदेश स्वयं, जब ठाकुर का आदेश सब छोड़ करके मेरे भजन करो तब फिर हम क्या करें, ठाकुर का आदेश को पालन करें। पाप मेरे को घर में पत्नी बैठे रहते हुए भी अगर छोड़ कर भजन के लिए जाओ तो उसमें कोई पाप हमें नहीं लगेगी। इसलिए इन्होंने ठाकुर जी घर में रहते हुए इन्होंने भजन करने के लिए चले गए। ठीक है यहीं तक, फिर यहाँ से कल से यहाँ से सुनेंगे, इसलिए आज हम आप लोग से सुनेंगे। और विशेष और कोई विशेष वस्तु पाना चाहते हैं, और कोई विशेष वस्तु को पाना चाहते हैं।